तो दोस्तों जो GB व्हाट्सअप था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। इस समय लोग अपडेट करते थे और अपडेट नहीं होता था। लोग अगर जो डिलीट कर दिए थे और डिलीट कर देने के बाद उसको अगर जो अपडेट करते थे, फिर भी अपडेट कर देने के बाद अगर जो GB व्हाट्सअप ओपन करते थे तो ओपन कर देने के बाद तो कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता था लेकिन दोस्तों ये इसका जो न्यू अपडेट है वो नहीं आया था, लेकिन दोस्तों न्यू अपडेट जो है अभी आ चुका है। तो दोस्तों इसका जो GB व्हाट्सएप है इसका अपडेट अभी अभी आया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेट है 30 जुलाई 2022 को इसका कौन सा अपडेट आया है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से आपको सबसे नीचे चले जाना है। तो दोस्तों नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका 30 जुलाई का अपडेट है, यहाँ पे इसका वर्जन है ये 17 वर्जन है, ये 30 जुलाई को अपडेट हुआ है अभी अभी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिलता है मिरर डाउनलोड का, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से जो मीडिया फाइल्स है यहाँ पे आ जाएगी, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो GB व्हाट्सएप है यहाँ से अपडेट हो रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो GB व्हाट्सएप है यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं यहां से इंस्टॉल कर लेता हूं। तो यहां से हमारा जो GB व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहां से मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन कर देने के बाद यहां पे मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो GB व्हाट्सएप है इसमें हमारा अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं यहां से क्लोज पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और क्लोज पे क्लिक कर देने के बाद यहां पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो चुका है।